पांचवी के सभी छात्र और छात्राएं इस और ख्याल देने वाले हैं। पाठ नंबर 8 मुझे जानो, इसमें समझो और लिखो दोनों चीज़ें दी गई हैं। आपके सामने कुछ चित्र यहाँ पर दिए हुए हैं, वो चित्रों को आपको देवनागरी लिपि यानी हिंदी मराठी, इसे देवनागरी लिपि कहते हैं, देवनागर जो लिपि होती है इसको देवनागरी लिपि कहते हैं, जो हिंदी और मराठी के लिए वर्ण व्यवस्था उसकी है। यहाँ पर देवनागरी लिपि को रोमन लिपि में हमको, जैसा हम देवनागरी लिपि में कहते हैं वैसा ही रोमन लिपि के अंदर हम उसे लिखते हैं। तो हम देखने वाले हैं यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं। पहला यहाँ पर देखेंगे हम तो यहाँ पर बस दिखती है, दूसरी जहाज़ है, तीसरा कप है, फिर थाली दी हुई है, फिर रुपया है, फिर ब्रश है जिसको हम गाय कहते हैं, गाजर है, कुत्ता यहाँ पर दिया हुआ है, देखो यहाँ पर ससा भी दिया हुआ है, एक गमला है और बच्चे जो उड़ाते हैं वो पतंग भी दी हुई है। अगर नीचे की ओर हम उड़े तो देखें तो यहाँ पर किताब भी है। अच्छा, थोड़ा आगे देखें तो देखने पर आपको महसूस होगा कि यहाँ पर एक सबका पसंदीदा फल यानी केला भी यहाँ पर है। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि हम बस को कैसा लिखते हैं, तो बस जैसा कि ब और स मिलकर बस होता है, उसी तरीके से अंग्रेजी में हम रोमन लिपि के अंदर बस लिखते हैं, है ना। तो बस कैसा लिखेंगे, BUS, इस तरीके से हम बस लिखने वाले हैं। आपके पास देखो दूसरा एक चित्र है, यहाँ पर बड़ा चित्र है जो हम समंदर के अंदर इस्तेमाल करते हैं एक जगह से, एक किनारे से दूसरे किनारे जाने के लिए, उसको कहते हैं जहाज़। अब जहाज़ जब लिखेंगे हम तो जे फिर ए एच ए जे, इस तरीके से हम जहाज़ लिखने वाले हैं। अब थोड़ा सा नीचे की तरफ ख्याल दो, यहाँ पर सुबह सवेरे माँ हमको क्या देती है, जी हाँ चाय देती है ना, बरोबर। तो चाय हम किस में पीते हैं, कप में, शाबाश। तो कप CUP कप, इस तरीके से हम रोमन लिपि में लिखते हैं, और देवनागरी लिपि में क और प मिलके कप होता है। अब यहाँ पर देखो एक कुत्ता भी है, ठीक, लेकिन जब हम अंग्रेज़ी में कुत्ते को बोलेंगे तो डॉग, लेकिन हमको यहाँ पर देवनागरी को रोमन लिपि में लिखना है कि हम किस तरीके से लिखते हैं, तो यहाँ पर KUTTA, फिर से KUTTA, इस तरीके से कुत्ता लिखा जाता है। फिर आगे थोड़ा देखो, गाजर है ना, गाजर दिखा आपको, पसंद है आपको, हलवा खाया आपने, देखो गाजर, GAZAR, गाजर, इस तरीके से लिखा जाता है। हम सुबह सवेरे जब स्कूल जाते हैं तो अब्बा से क्या लेते हैं, शाबाश, हम लेते हैं पैसे, है ना, रुपए लेते हैं। अब नीचे देखो क्या दिखता है, ससा, स स स को काना दे दिए तो ससा हो जाएगा, और यहाँ पर भी SASA, इस तरीके से ससा लिखेंगे। फिर गमला है, GML को काना देंगे, गमला, इस तरीके से उसे पढ़ेंगे, और अंग्रेज़ी में जब लिखेंगे तो GAMLA, गमला, इस तरीके से हम कहेंगे। अब यहाँ पर देखो नीचे पतंग दी हुई है, पतंग, त के ऊपर अनुस्वार है, है ना, तो पतंग कैसा लिखेंगे, PATANG, ठीक। अब आगे किताब देखो, किताब जो सब बच्चों को अच्छी लगती है, KITAB, इस तरीके से हम इसे पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद में देवनागरी लिपि के अंदर से हम रोमन लिपि में जिस तरीके से हम पढ़ते हैं उसी तरीके से हम लिखेंगे, ठीक है बेटा।